हरियाणा देखने से दस भाई सुखमा की राम आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जावा भाई पहले तो ही, क्योंकि यहाँ पर गांव छात्र में एक आदमी जो कुआ है उसमें छलांग लगा दी गई है और यहाँ पर बहुत हकोर और पुलिस प्रशासन भी पहुँच चुके हैं। ये देखो पुलिस प्रशासन भी मौका पर हर गोताखोर भी मौका पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसकी हालत कैसी रहती है वो तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि प्रशासन भी गोताखोर पहुंच चुके हैं, लेकिन गोताखोरों के लिए तैयारी करते हुए ये देखो भाई अपनी आपको दिखाएंगे हर एक अपडेट, गोताखोर कैसे हैं कैसे निकालेंगे उसको आप अपने गदर हरियाणा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहिए। ये देखो क्या 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 तैयारी कर रहे हैं भाई यहाँ पर, ये जो है गोताखोर भी अपनी सेफ्टी के साथ भाई ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो भी लेकर साथ ही जाएंगे भाई। ये देखो अपनी ऑक्सीजन, लेकिन अपनी गोताखोर भी फुल सेफ्टी करे हुए हैं भाई, अपनी सेफ्टी के साथ पहुँचेंगे भाई। ये देखो जो अपनी सेफ्टी के साथ जो ऑक्सीजन है ये सब लेकर साथ ही चलेंगे, और जैसे होते हैं हम आपको देते रहेंगे दिखाते रहेंगे, जो कुछ मिलेगा नहीं हमें वो हर एक दिखाते रहेंगे। ये देखो भाई जो ऑक्सीजन है वो भी साथ में लेकर आए हैं, कि गांव वालों का कहना कि ये कुआ कई वर्षों से बंद हुआ है लेकिन इसमें गैस हो सकती है इसलिए, लेकिन गोताखोर अपनी सेफ्टी के लिए हर एक इंजाम लिए हुए हैं और आपको दिखाएंगे। और कुआ लगभग 150-200 फुट गहरा है भाई, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, जो कि मैं उस्ताद बबली के साथ आया हूँ। गांव के अंदर किसी हादसे के कारण एक इस कुएं के अंदर कोई है ना बुजुर्ग तकरीबन 40-50 साल का कोई बुजुर्ग है, उसकी तलाश के लिए हम जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है और जो पटियाला शहर से मैं आया हूँ, मेरा उस्ताद उजाना गाँव में रहता है जो नरवाना के पास है। तो अभी देखते हैं नीचे जाकर किस तरह का माहौल है, पानी है कि गैस है क्या कुएं के अंदर। अच्छा कुआ कितना गहरा बता जा रहा हूँ, ऊपर से जो दिखाई दे नीचे पानी नहीं दिखाई दे रहा अभी तक, काफी अंधेरा है। इस हिसाब से ग्रामीण बोल रहे हैं, उस हिसाब से ये 80-90-100 के आसपास गहराई है इसकी, और हमने अभी रस्सी डाल के इसके अंदर चेक भी किया है, वास्तव में ये 80 फुट के गहरा और 20 फुट इसके अंदर पानी है। यानी एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि तकरीबन 120 के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा, जिसकी गहराई 120 के आसपास मिलेगी। हमारे उस्ताद जी बबली कुमार बोल रहे हैं। ये हमारे नमस्कार जी, सभी भाइयों को आपके चैनल की तरफ से जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम गांव क्षेत्र में आए हुए हैं। मेरे लिए एसएचओ साहब का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे एक नौजवान लड़का कुएं में कूद गया, मैं अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। अब इसके अंदर जाएगा मेरा चेला है सादिक अंसारी, अंदर जाके देखते हैं इसमें ज़्यादा गैस तो नहीं है, नहीं उस बंदे को निकालने की कोशिश करेंगे। सब हथियार लेकर साथ जाओगे? हाँ हाँ, ऑक्सीजन के साथ नीचे जाएंगे, नहीं ज़्यादा ऑक्सीजन होने के कारण हमको बहुत खतरा रहता है जी। नहीं, इस कुएं के अंदर जैसे गहराई है ना, इस गहराई के अंदर वो क्या नाम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं कि गैस बन जाती है, जहरीली गैस, जिससे बंदे की भी मौत हो सकती है। इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन किट है, सिलेंडर हैं, सभी वो हैं। हम काफ़ी नंगल डैम, भाखड़ा बांध, बड़े बड़े डैम है उसके अंदर भी काम करते हैं, इसलिए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। और हम आपने लगभग कितने लोगों की जान बचाई होगी? सर देखो, जान तो जिस टाइम बंदा डूबता है तो मरने के डूबने के बाद ही मरता है, वैसे तो हमारे एट ए टाइम तो हमारे पास ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं जिससे हमने जान बचा सकते हैं, क्योंकि डूबने के बाद ही बंदा मरता और मरने के बाद ही हमारे पास फ़ोन आता है। इस तरह से हमने डेड बॉडियों को हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 1000-1200 के आसपास हम डेड बॉडियाँ निकाल चुके हैं नहरों के अंदर से। हमने यहाँ यमुना, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, तकरीबन यहीं पर ऑल इंडिया के अंदर हम काम करते हैं। कोई भी है जो आपके टीवी के माध्यम से किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 97-292-75-900, तो हमसे YouTube पे भी संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर भी हमारा चैनल है गोताखोर के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, उस पर हमारी आपको वीडियो भी मिलेंगी, क्लिप भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप दुख सुख में जब भी हमें बुलाना चाहेंगे हम आपकी उसमें मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। अंदर जैसे ये कुआ है, ऐसे कुएं हरियाणा में ही मौजूद है, तकरीबन बाहर पंजाब, राजस्थान और ऑल इंडिया के अंदर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक धरोहर सिर्फ हरियाणा के अंदर ही मिलती है। और ऐसे ही केस हरियाणा के अंदर अभी पिछले एक साल पहले अपने नज़दीकी गांव कैसून पड़ता है, कसून, उसके अंदर भी एक ऐसा ही बंदा गिर गया था, जो हमने
SHO के द्वारा हमारे पास फोन आया, जिसका आज भी हमारे पास फोन आया है, और हमने वहाँ जाके सर्च करके उसको सही सलाम निकाल दिया था, बाहर उसको निकाल दिया था और परिजनों को सौंप दिया। और कैसे जाते हुए भैया, ये देखो देखो भाई, गोताखोर जाते हुए राम का नाम लेकर सबको मनाते हुए, देखो देखो भाई गोताखोर कैसे जाती हुए अंदर, भाई निकालते हुए गोताखोर कैसे अपनी ऑक्सीजन लेकर अंदर जाते हुए, भाई सेफ्टी के साथ कैसे जाओ रखे, बराबर छोड़ना, बराबर खींचना है, बोल के एक दो इस तरह करके छोड़ के बोल के करना, ये देखो भाई इसको बोलते हैं मौत का कुआ। रस्सी के तीन झटके लिए था, मैं रस्सी बराबर छोड़ूंगा, टाइट करके रखो, रस्सी पकड़ के रखो, तो हाथ में रस्सी हाथ में पकड़ के रखो, भाई एक एक करके फिर गिनती छोड़ना, बराबर बराबर बिल्कुल, और सारे चुप बोले, मेरी आवाज सुनते रहिए, जब मैं बोलूं एक तो बराबर छोड़ना सबने, रेडी है भाई साथी, भाई बोलो ना, एक बराबर बराबर छोड़ो चारों, बिल्कुल प्यार से चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बराबर भाई आप भी छोटो, बराबर बराबर वो पाया छोटो पर लाना, और बड़े प्यार छोड़ना, प्यार प्यार से इतना जितना चल रहा है, यही स्पीड रखनी भाई, ज्यादा यही स्पीड रखनी है बस, हाँ यही स्पीड रखनी है बस, अच्छा हो रहा भाई तेरा, रस्सी बराबर छोड़ो, मेरी एक गाने मान लेगा पल्ली ले एक रस्सी और रेडी कर लो भाई, भाई गोता खोर किसी कारण असफल रहा कि उसको कहा कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन पता नहीं वजह क्या रही है, लेकिन गोता खोर बाहर निकलने की कोशिश की वापस थोड़ा अंदर जाते ही, लेकिन अभी नाकाम रहा निकालने में, लेकिन आगे देखते हैं क्या हालत होती है, लेकिन क्या बताते हैं उसमें क्या स्थिति हुई है कि उसको निकालने।